स्क्रीन विजिबल है मेरा? स्क्रीन विजिबल है बेटा? यस सर। क्वेश्चन है, द वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट ए एंड बी आर, दो वेक्टर्स दिए हैं ए एंड बी फ्रॉम द, ये ओरिजिन मान लेता हूं मैं, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, ओरिजिन वेक्टर ए, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी, तो ये इसने वेक्टर तो मैंने ए बी मान लिए, लेकिन इसने पॉइंट भी ए बी मान रखे हैं ये, एक वेक्टर ओ से ए पॉइंट तक है, एक ओ से बी तक है, तो ये ट्राइंगल बन गई, बोलता है इस ट्राइंगल का एरिया निकालिए, तो मैं ओ ए साइड को वेक्टर ए मान लेता हूं और ओ बी साइड को वेक्टर बी मान लेते हैं। अब इसका एरिया निकालना है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते थे, हम ए क्रॉस बी यूज कर लेंगे, राइट, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए क्रॉस बी, ट्राइंगल का अगर एरिया निकालना है मुझे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए क्रॉस बी, 1/2 इंटू ए क्रॉस बी, अगर पैरेललोग्राम होता तो हम क्या करते, 1/2 नहीं लेते, 1/2 नहीं लेते, तो ट्राइंगल का एरिया इसने कैसे, पैरेललोग्राम बनता है तो इसका ऐसे बनता है, ये पैरेललोग्राम का ए क्रॉस बी आ जाता और इसका हाफ कर दें ए क्रॉस बी का, तो ट्राइंगल बच गया। अब मोटिव ये है मेरा कि मुझे ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी मुझे कैलकुलेट करना है, ए क्रॉस बी मुझे अगर कैलकुलेट करना है तो आपको बताया गया पहले ए क्रॉस बी लिख लिया, डिटर्मिनेंट लगा लिया आई जे के, राइट, ये यूनिट वेक्टर लिख लिए। अब ए में आई का नीचे आई का कोएफिशिएंट 3 है और जे का कोएफिशिएंट -6 है, के का कोएफिशिएंट जो है 2 है, और इससे जो दूसरा वेक्टर नंबर बी है ये I का कोएफिशिएंट 2 है, ये लिख लिया, J का 1 है 1 और K का -2। अब हम क्या करते थे, I ब्रैकेट स्टार्ट, ये वाला मुझे इधर नहीं दिख रहा है कॉलम और रो, मुझे सिर्फ ये दिख रहा है 6 × 2 कितने हो गए, 6 × 2 12, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, माइनस माइनस भी है, माइनस this into this 2 × 1 2, ये तो आया है, और j के केस में हम माइनस लिखते हैं ब्रैकेट स्टार्ट। अब हम क्या करेंगे, ये मुझे नहीं दिख रहा है j वाला नीचे, ये नहीं दिख रहा है, तो this into this 2 × 3 -6 माइनस 2 × 2 4 4, इसने क्या कर रखा है देखो, यहाँ पे इसने क्या कर रखा है, इसने क्या किया है, जे को प्लस ही रखा है, लेकिन इसने अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई किया होगा, दिस इनटू दिस अगर प्लस रखना है, ये इसने ऐसे किया है प्लस जे, अगर प्लस ही रखना है आपने तो क्या करना होता है, ये भी सुन लो, अगर प्लस ही रखना है इसको तो ये तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारा पैटर्न ऐसे था मल्टीप्लाई करने का, तो हम ऐसे करते हैं फिर मल्टीप्लाई, अगर प्लस रखना है 2 × 2 4 माइनस दिस इंटू 3 × 2 6, लेकिन यहां माइनस है तो ये 6, ओके, ये डिफरेंस क्लियर हो गया, बताइए जरा। यस सर, यस सर, ओके, तो आई माइनस जे प्लस के, के के केस में क्या करते थे, हाँ मुझे ये वाली लाइन नहीं दिख रही है, आई विल मल्टीप्लाई दिस इंटू 3 × 1 That is 3 minus 6 × 2
12 माइनस 12 हुआ था प्लस 12 बन गया, तो आ गया ये दैट इज इक्वल टू 10 आई, माइनस बाहर आ गया प्लस हो गया प्लस 10 जे प्लस 15 के, ये आ गया ए क्रॉस बी। जैसे यहां पे है, अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या है, हम क्या करते हैं अभी आई जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, आई का कोएफिशिएंट 10 है 10 का स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट 10 है 10 का स्क्वायर प्लस के का कोएफिशिएंट 15 है 15 का स्क्वायर, तो इसका आंसर जो है ये इस तरह से कुछ आ जाएगा और इसको डिवाइड कर देंगे 1/2 से, तो आंसर इज समथिंग दैट इज आंसर ए, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, यस सर। तो क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 31, द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी इज थीटा, देन द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी क्रॉस ए, ए डॉट बी क्रॉस ए कितना होगा, तो हम लेते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, ये बी क्रॉस ए को हम सी मान लेते हैं, बी क्रॉस ए को हम सी मान लेते हैं, तो ये क्या बन गया ए डॉट सी, ए डॉट सी, ए डॉट सी। अब ये क्या हुआ, क्या मतलब हुआ इसका, ए डॉट सी बताओ जरा, यहां पे ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन यहां पे जीरो इज जीरो, ये जीरो लिखा होना था, यहां पे लिखा नहीं है जीरो, ठीक है ये लिखा नहीं, यहां पे जीरो था, तो ए डॉट सी अगर जीरो के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। द वैल्यू ऑफ द ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी इज जीरो। एक मिनट, क्वेश्चन मुझे पता नहीं यहां से ये मिटा भी है या नहीं, क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी इज थीटा, द वैल्यू ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट इज, ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो, तो इसका आंसर आएगा जीरो, इसका आंसर होना है। तो कैसे इसका आंसर आया बताया जरा, कुछ ऐड करो अपना, बोलो बोलो जल्दी, इस क्वेश्चन को मैं चेक करूंगा कि यहां कुछ है तो नहीं है, ठीक है इसको अभी छोड़ दो, मैंने ये फाइल चेंज की थी पीडीएफ में एमएस से, तो उसके ड्यूरिंग कुछ अगर हुआ है, प्रॉब्लम नंबर 32 बोला द टॉर्क ऑफ द फोर्स, टॉर्क ऑफ द फोर्स होती है एनी फोर्स जो ऑब्जेक्ट्स को रोटेट कर दे, दैट इज नोन एज टॉर्क, एक्टिंग एट द पॉइंट आर
ओके, ये इसका मतलब ये हुआ ये ओरिजिन है और ये यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है उसको उसके ऊपर जिसका मास m है उसके ऊपर टर्निंग फोर्स लग रही है ऐसे, जिसके कारण ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है ऐसे, राइट। टॉर्क ये पोजिशन वेक्टर r है, r r ये है अबाउट द ओरिजिन, तो बोला है फोर्स दी गई है और r दिया गया है, टॉर्क निकालना है। टॉर्क का फॉर्मूला वैसे आगे चैप्टर आएगा, ये r क्रॉस f होता है, तो r क्रॉस वेक्टर r और f का क्रॉस कर दें वो आंसर होगा। तो r क्रॉस मैंने अभी आपको बताया, तो इसको आप अपने आप करेंगे, क्रॉस निकालना आपको आता है और पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाएगा आपको कि आपको क्रॉस निकालना होगा। ठीक है बेटा, कर लोगे इसको? यस सर, यस सर। प्रॉब्लम नंबर 13 देखिए, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज 3, 2, 5, देन इट्स पोजीशन वेक्टर इज, ये पूछा गया है पोजीशन वेक्टर, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई और ये जेड, तो ये बनेगा 3i, ये वाला कोऑर्डिनेट एक्स, ये वेक्टर बनेगा जो भी बनेगा 3i प्लस 2j प्लस 5k और इसका आंसर होगा बी। ठीक है बेटा, समझ आ गया ये? यस सर। ओके, प्रॉब्लम नंबर 14, ये देखो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। इफ ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू, इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज, पी से क्यू की तरफ मूव करता है ऑब्जेक्ट, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा गया है। कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये बताया गया था जब आपको पढ़ाया गया था, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ओरिजिन, ये पोजीशन पी है, इसके कोऑर्डिनेट है 2, 3, 5, और यहां से ऑब्जेक्ट क्यू पॉइंट पे चला जाता है, ये अनदर पॉइंट है क्यू और इसके कोऑर्डिनेट हैं 3, 4, 5, 3, 4, 5, ये आर, ये आर डैश और ये वाला था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर, डेल्टा आर, तो यहां से आया है। अगर मैं ट्राइंगल लॉ लगाऊं आर प्लस डेल्टा आर इज इक्वल टू आर डैश, ये था ये है ना ट्राइंगल लॉ यूज किया, ऐसे नहीं रट्टा नहीं लगाना है नहीं तो गलतियां होती हैं बाद में। तो यहां से बेटा डेल्टा आर कितना आ गया जो हमें पूछा है, आर डैश माइनस आर, ठीक है, आर डैश माइनस आर डेल्टा, तो आर डैश पोजिशन वेक्टर ये बनाना है मुझे, ये बना आर डैश पोजिशन वेक्टर बनाइए, ये है आर डैश 3i प्लस 4j प्लस 5k, और r पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा 2i प्लस 3j और प्लस 5k। अब r डैश माइनस r करिए
थ्री में से टू चला गया, कितना बचा बोलिए जरा? माइनस वन। थ्री माइनस टू सर आई, वन आई। वन आई, फोर माइनस थ्री प्लस फोर माइनस थ्री जे, यही बचा आई प्लस जे। आई प्लस जे कोई ऑप्शन है? ओके बेटा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए फोर्स 5 न्यूटन एक्ट ऑन ए पार्टिकल अलोंग डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल। ठीक है, ये डायग्राम में दिया हुआ है, फोर्स ऐसे लग रही है वर्टिकल के साथ एंगल 60 डिग्री बना रही है, इट्स वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये तो आपको देखो, अब ये एंगल थीटा इधर नहीं है, इधर होता था अगर मैं इधर लेता था, इधर नहीं है थीटा, और थीटा वाली साइड अगर आप रिजॉल्व करते हो तो अलोंग थीटा साइड जो कंपोनेंट आता है दैट इज एफ कॉस थीटा, एफ कोसाइन 60 डिग्री। तो ये हुआ वर्टिकल कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट, वही इसी पे क्वेश्चन पूछ दिया गया है। और ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर ऐसे होता, अगर ये ऐसे होता, ये फोर्स होती, अगर ये वाला एंगल थीटा होता तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता एफ कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट आता एफ साइन थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट फिर वर्टिकल होता। लेकिन थीटा एंगल यहां पे दिया है तो वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा हुआ? एफ कोसाइन 60 डिग्री। और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना है बेटा? सर 1/2। 1/2 और फोर्स दे रखी है 5, तो दिस आंसर इज 2.5 न्यूटन। आंसर इज 2.5 न्यूटन। 2.5 न्यूटन, 2.5 न्यूटन तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहां इसने गलत लिखा है, ये देखो गलती है, मिस्टेक है, इट शुड बी 2.5 न्यूटन। ठीक है, देखो क्या पूछा है क्वेश्चन, ये दिया है वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और बी अगर ऐसे दिए हो तो क्वेश्चन को समझो पहले, क्वेश्चन ही अंडरस्टैंड करने में गलती कर जाता है बच्चा। वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी एंड पैरेलल टू ए, तो बी को कंपोनेंट में रिजॉल्व करो तो इधर क्या आएगा? बी कोसाइन थीटा, देखिए ध्यान से देखना, बी कोसाइन थीटा, बी को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहा हूं तो बी कॉस थीटा आ रहा है, बी कोसाइन थीटा, और इसके इधर को आएगा बी साइन थीटा, इधर बी साइन थीटा। तो कोसाइन थीटा, थीटा तो एंगल मेरे पास नहीं दिया हुआ है, बी का मैं मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं अलोंग ए साइड, तो बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, बी वेक्टर ये दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? रूट 7 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, तो जैसे इन्होंने किया है इट इज इक्वल टू, और ये बाद में हमारा आंसर आ जाएगा, ये बी का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब देखिए इसने मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा, एक मिनट दीजिए। अब मेरी डायग्राम चलेगी ऊपर, ये बताया था ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी
इनके बीच में एंगल थीटा, और मेरा क्वेश्चन है द वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज बी एंड पैरेलल टू ए, पैरेलल टू ए, अगर बी को कंपोनेंट में रिजॉल्व करो तो पैरेलल टू ए आएगा, बी कोसाइन थीटा इसका कंपोनेंट, बी कोसाइन थीटा, बी कोसाइन थीटा। अब मेरे से क्या पूछा है, बी कोसाइन थीटा ये मुझे कैलकुलेट करना है, ये पूछा है पैरेलल टू ए, तो कैसे करेंगे, बोलो जरा, बी कोसाइन थीटा, आंसर भी आपके सामने, ये तो सिंपल बी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया गया है। एक ही डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लिया इसने, ये बोला एक ही डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ए का एफ बनेगा, तो ये निकालना भी आपके लिए, ए अगर मेरे पास ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर मेरे पास दे रखा है, ए वेक्टर है 3i + 4j, तो एक ही डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, बताना कोई बच्चा फॉर्मूला बताएगा मुझे यूनिट वेक्टर का, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर इटसेल्फ इज 3i + 4j डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड इसी का ही 3 का स्क्वेयर + 4 का स्क्वेयर, ये बन जाएगा टोटल 3i + 4j, और डिनोमिनेटर में जो भी है कितना आया 16 + 9 = 25, और डिवाइड में क्या आया 5, रिप्लाई करो, यस सर 5 आया 5 5, हमारा आंसर है डी 15i + 20j, 15i + 20j। अब क्या करोगे, 15i + 20j, इस डायरेक्शन में क्वेश्चन है द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी एंड पैरेलल टू ए, सेम मैग्नीट्यूड एज बी एंड पैरेलल टू ए, पैरेलल टू ए, ए के पैरेलल बी का मैग्नीट्यूड बना बी कोसाइन थीटा, ए के पैरेलल बी कोसाइन थीटा बन रहा है, और इसी के पैरेलल ए के पैरेलल ए यूनिट वेक्टर है, इसी डायरेक्शन में हुआ यूनिट वेक्टर को मैंने निकाल लिया, अब रिक्वायर्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में जो पूछा है इसने, रिक्वायर्ड वेक्टर कैसे बनाया इसने, रिक्वायर्ड वेक्टर देखो, ये दो चीजें आपके पास, ये 3i + 4j डिवाइड बाई 5 और b का मैग्नीट्यूड, अब क्या करोगे, ये बना b का मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में, देखो b cos थीटा को लिखूंगा मैं b का मैग्नीट्यूड, और इस डायरेक्शन में और क्या चीज है, a कैप, a यूनिट वेक्टर, a कैप, ये बना रिक्वायर्ड वेक्टर, जो यहां फॉर्मूला नहीं लिखा है वो मैंने लिख दिया। अब बेटा b का मैग्नीट्यूड कितना है, b का मैग्नीट्यूड बताओ कितना है, 25। ये यहां इन्होंने कुछ गलत लिखा हुआ ना, और a यूनिट वेक्टर मेरे पास आ गया 3i + 4j डिवाइड बाई 5, 5 5s are 25, अब ये बचा 15i + 20j, ऐसी ऑप्शन है कुछ,
बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके बेटा, ये इसको समझ के देखो कैसे लिखा है क्वेश्चन। द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी, तो बी को रिजॉल्व किया, इधर आया बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा को बी लिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और इसी डायरेक्शन में एक ही साइड में यूनिट वेक्टर बना, एक कैप, ए कैप का वैल्यू निकाला, बी का मैग्नीट्यूड निकाला, उनको मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन उठाए। टू ए पर्सन गोइंग ईस्टवर्ड इन ए कार विद वेलोसिटी 25 किलोमीटर पर आवर, ए ट्रेन अपीयर्स टू मूव टुवर्ड द नॉर्थ विद वेलोसिटी दिस, द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन विल बी। जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आए तो ऐसे बना लो। ईस्ट वेस्ट, ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ और ये वाली साउथ, सिंपल। एक कार विद वेलोसिटी 25 किलोमीटर, कार की वेलोसिटी 25 ईस्टवर्ड इधर चल रही है कार, वेलोसिटी ऑफ कार इधर ईस्टवर्ड जो दे रखी है 25 किलोमीटर पर आवर, ए ट्रेन अपीयर्स टू मूव टुवर्ड नॉर्थ, ट्रेन इधर चल रही है, जिसका वेलोसिटी दे दिया रखा है 25 रूट थ्री, ये रूट इसके ऊपर है ना कि इसके ऊपर, किलोमीटर पर आवर। द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन फॉर्मूला बनाओ, कैसे बनाया बताओ जरा। ट्रेन ऊपर जा रही है, कार इधर जा रही है, बोलो करवाया मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको। कोई भी नहीं बताएगा, एनी स्टूडेंट एनीवन, इसमें ये ट्रेन का वेलोसिटी एक्चुअल नहीं है। देखो ट्रेन अपीयर्स टू मूव नॉर्थ विद वेलोसिटी दिस, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, ये ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार उसकी वेलोसिटी है, अपीयर्स टू मूव टुवर्ड नॉर्थ विद वेलोसिटी दिस, कार के विद रिस्पेक्ट को ये वेलोसिटी दिया है, तो ट्रेन की एक्चुअल वेलोसिटी, जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या था बेटा, ये था ना रिजल्टेंट सर, जीरो।
जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट, ये देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ ट्रेडिशन बोलता है आर इज इक्वल टू रूट पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस टू पी क्यू कोसाइन थीटा। अगर थीटा 90 डिग्री है तो ये कॉस 90 कितना हो गया जीरो, और ये वाला फैक्टर क्या हो गया जीरो। आपके पास क्या बचा सिर्फ रूट पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर। तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू रूट पी वेक्टर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार प्लस वेलोसिटी ऑफ कार का स्क्वेयर स्क्वेयर। लगा पता ये फॉर्मूला कहां से आया बोलो। यस सर। तो इस तरह से इसका आंसर निकाल लेना है, जो भी राइट ऑप्शन इसका ए दिया गया है ये आ जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो सर। सर लास्ट में सर अंडर रूट 2500 आ रहा है सर, पर उसका सर रूट से सर 50 होता है सर, 25 कैसे आंसर। तो मिस्टेक भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, 50 भी तो है ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है ठीक है बेटा। यस सर। मिस्टेक हो जाती है कई बार, मैं ये मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट की करी थी तो ये रूट भी देखो गड़बड़ हो गया। तो इसका प्रिंट आउट निकाल लें आप और सारे क्वेश्चन कर दें जो समझ में नहीं आए। ऐसा नहीं होता कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, अगर आप 3-4 बार उसको देखते रहो तो वो समझ आ जाता है। ऐसा नहीं होगा कि आप ट्राई करोगे एक बार समझ में नहीं आएगा लेकिन दूसरी तीसरी बार समझ आ जाता है। तो ट्राई करते रहें, छोड़े ना, समझते रहें। क्लास ऑफ होने वाली है बेटा, अब मुझे दूसरी क्लास में जाना है। दैट्स ऑल, गुड टाइम, बाय। एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो मल्टीपल में क्लास में देखो मुझे, अगर मैं क्लास में आपको मल्टीपल करवाता हूँ पहले मैं आपको मल्टीपल लिखवाऊंगा, फिर आप लिखोगे, फिर ऑप्शंस लिखवाए जाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे। क्लास में तो 3 ही मल्टीपल चॉइस होंगे, एक क्लास में 3 या 4। यहाँ आप शेयरिंग में आज की डेट में ज्यादा कर सकते हो क्योंकि सभी बच्चे मेरी स्क्रीन को देख सकते हैं। और मोस्ट अगर आप इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, आप इनके प्रिंट आउट लेके रख लें, और प्रिंट आउट से क्या होगा आपको प्लस टू में भी काम आएंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये काम आएंगे आपके। ठीक है, चैप्टर वाइज पढ़ते चलिए, चैप्टर वाइज में सभी चैप्टर के मल्टीपल आपको दे दूंगा, कोई समस्या नहीं आएगी आपको।